देश में जनता कर्फ्यू का सातवां दिन है, लेकिन मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते अब पुलिस द्वारा पुलिस नाकों पर शक्ति बढ़ा दी गई है। आज सुबह 9:30 बजे वंदना चौक बागपत पर अन्य जगहों से पैदल आ रहे 4 से 6 लड़कों को पुलिस द्वारा रोका गया और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई। हमारे संवाददाता के पूछने पर लड़कों ने बताया कि उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है, अब हम अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हमें तो पुलिस ने पकड़ लिया है, अब हम क्या करें। तभी हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि प्रशासन की सख्ती है, अब हम इन्हें थाने भेज रहे हैं, जो भी कार्यवाही होगी थाना कोतवाली में होगी। उपरोक्त प्रकरण को लेकर हमारे संवाददाता ने थाना कोतवाली बागपत प्रभारी से फोन पर बात की तो थाना कोतवाली प्रभारी ने फोन पर हुई वार्ता के दौरान बताया कि ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में थाने पर नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर कुछ लोग शेर व शायरी द्वारा अपने एरिया के लोगों को अनोखे अंदाज में संदेश भेजते नजर आ रहे हैं। बागपत से इरशाद की रिपोर्ट। यहाँ पर आप हैं वहीं से आपको रहना चाहिए था, अगर नहीं आपको अगर दिक्कत आ रही तो आप वहीं क्षेत्र में कंप्लेन करते। कितने लोग आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? रोज जाना है तो आप गाजियाबाद से क्यों आ रहे हैं? गाजियाबाद जब गवर्नमेंट ने वहाँ पे सुविधा कर रखी है तरह की, और आपकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए लोग आपके लिए सब किया गया है, तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? कितने लोग आप कहाँ जा रहे हो? राजस्थान से। कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्यों आए आप राजस्थान से? जब लॉकडाउन चल रहा है आपको पता पूरे देश में टीवी पे न्यूज आ रही है आपका इंतजाम वहीं पे किया गया है, तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? चार छह लोग, कोई राजस्थान से कोई गाजियाबाद से बता रहा है कि हम लोग अपने घर जा रहे हैं, इसके चलते पुलिस ने इनको रोका है, पुलिस मुस्तैद है। ए मेरे दोस्तों रूल फॉलो करो, ए मेरे दोस्तों रूल फॉलो करो, कोई भी इसको हल्के में लेना नहीं, ये कोरोना है कोई खिलौना नहीं, ये कोरोना है कोई।